सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 279वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हम छठे अधिकरण को देख रहे थे। छठे अधिकरण का कुछ भाग हमने देखा था, 23वें सूत्र के भाष्य को भी थोड़ा देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 1798 पर भाष्य की चौथी पंक्ति है ऊपर से, इसमें मध्य में है तद हवि इति अनुवादः। यहां हवि को अनुवाद कहा है और इससे अगली पंक्ति में कहा अनुवादश्चेत अन्य हविष्के अपि कर्मणि संस्थिते प्रायश्चित्तम इति गम्यते। हवि के अनुवाद होने से यहां हवि वाला कर्म किस प्रकार ग्रहण हो जाता है और अन्य कर्मों में वो कैसे चला जाता है? अनुवाद है, उसमें लिंग विभक्ति आदि अविवक्षित होते हैं। तो तद हवि, वो कोई एक ही हवि ली जाए ऐसा नहीं है, कोई सी भी ली जा सकती है, उससे भिन्न भी। एक हवि को भी लिया तो दूसरी हवियों को भी ले सकते हैं, उससे संबंध हवि। यानी बात यह है कि यहां पर देखिए इसको फिर से, यदा संतिष्ठेत तत्कर्म तेन हविषा इति वाक्यम भित्येत अवाचकम च स्यात् कर्मैव न संतिष्ठते न हवि तेन संस्थानम निमित्तं तद हवि रीति अनुवाद। अनुवादश्चेत अन्य हविष के भी कर्मणि संस्थिते प्रायश्चित्तम इति गम्यते। तो हवि मतलब कोई विशेष हवि ही ली जाए, यानी पुरोडाशी लिया जाए, वो नहीं। जो सिद्धांती ने ये कहा था कि अगर वो क्षाम हो गई है तो अन्य हवि यानी आज्य उससे भी किया जा सकता है, उससे भी उस कर्म को संपूर्ण संस्थित किया जा सकता है। तो चूंकि ये हवि तद हवि अनुवाद है, इसलिए हवि मतलब वही जो वहां पर पुरोडाश है वही लक्षित की है, विवक्षित हो ऐसा नहीं है। उद्देश्य में हम अन्य चीजों को भी ले लेते हैं, उसको प्रतीक रूप में केवल मानते हैं। विधि होगी तो लिंग वचन विभक्ति या द्रव्य जो भी है वो विवक्षित होता है, जो का तू ही लिया जाएगा, इधर उधर नहीं जा सकते। अनुवाद में तो हम ये कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ तत हवि शब्द का है, तद कहने के बाद भी ये अपने पूर्व वाले कर्म से ही संबंध नहीं होगा, अन्य किसी भी कर्म में जा सकते हैं? नहीं, कर्म तो वही रहेगा। आपका प्रश्न है कि अन्य कर्म में जा सकते हैं, अन्य कर्म में नहीं, अन्य कर्म का नहीं। देख अनुवाद, देखिए अनुवादश्चेत अन्य हविष्के अपि कर्मणि संस्थिते, ये कर्म तो वही है। अन्य हवि वाला कर्म जब समाप्त हो रहा है, ये कर्म विशेष हो गया ना। पूर्व पक्षी कह रहा था कि वो पुरोडाश कुछ जल गया है, तो चूंकि उसी से, क्योंकि वहीं पर कर्म का संस्थान कहा गया है, इसका मतलब है वो पूरा नहीं जला था। पूरा जल गया होता तो उससे कर्म ही नहीं हो सकता था, वो तो अयोग्य हो जाता हवि के लिए। तो कुछ जलाए तो भी काम में लेकर के कर सकते हैं। इससे वो सिद्ध कर रहा था कि पूरा जले हुए की बात ही नहीं है, थोड़े पूरा जलने पर ही प्रायश्चित तो होगा, थोड़ा जलने पर तो नहीं होगा। यही था ना पूर्व पक्षी का, थोड़ा जलने पर होगा और पूरा जलने पर तो यहां पर प्रसंग ही नहीं बनेगा। सिद्धांत कह रहा है पूरा जलने पर भी होगा और वहां इस तरह भी हो सकता है। आप जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि उसी हवि की आहुति देने पर कर्म समाप्त होगा, ये नहीं, दूसरी हवि की आहुति भी हो सकती है। तो अब ये जो कर्म है अन्य हवि वाला है तो वही वास्तव में कर्म, लेकिन एक विशेषण के रूप में बता दिया कि जो समापन हो रहा है कर्म का, एक तो उसी हवि वाला हो रहा है, एक भिन्न हवि वाला जो कर्म का संस्थापन हो रहा है। तो कर्म भिन्न नहीं हो रहा है, कर्म तो वही है। अन्य हविष्के अपि कर्मणि, या अन्य जो है ना, अन्य विशेषण है हवि का, अन्य हवि वाला जो कर्म है वही कर्म हो अगर संस्थिते प्रायश्चित में, तब भी प्रायश्चित हो सकता है। तो इससे ये कहना चाहता है कि वो पूरी जली हो तो ही होगा, आधी जली हुई का तात्पर्य यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि संस्थान तो अन्य हवि से भी हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि संस्थान उसी हवि से होगा और उसी हवि से संस्थान होगा तो वो पूरी जली हुई नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। यहां पर अन्य हवि से संस्थान करने पर प्रायश्चित मान लिया जाएगा,
प्रायश्चित मतलब वो कर्म पूरा हो जाएगा। अन्य प्रश्न है इसी पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में, इन्होंने एक दृष्टांत लिया है, प्रसह्य कारितया देवदत्त संबद्धया लक्ष्यते सिंह। यहाँ दृष्टांत के अंदर तो कर्म से द्रव्य को लक्षित कर रहे हैं, जबकि दार्ष्टांत में द्रव्य से कर्म को लक्षित कर रहे हैं। हाँ, कि यहाँ सामान्य रूप से कथन है द्रव्य से कर्म लक्षित हो चाहे कर्म से द्रव्य लक्षित हो, संबद्ध चीज का लक्ष्य, संबद्ध चीज लक्षित की जाती है, केवल इतना बताना चाहते हैं, उससे संबद्ध चीज को लक्षित किया जाता है, अर्थ वो ले लिया जाता है, केवल इतना ही है। वो द्रव्य और कर्म इतनी उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है सामान्य। हवि संबद्धम कर्म हवि शब्देन हवि संबंधात अवगम्यते, हवि से संबद्ध कर्म हवि शब्द के साथ, हवि शब्द से हवि के संबंध से जाना जाता है, केवल संबंध को मुख्य कहना है। यथा प्रसह्य कारितया देवदत्त संबद्धया, देवदत्त से संबंध जो प्रसह्य कारिता है उससे सिंह लक्षित किया जाता है, यानी इसको आप यूं कह सकते हैं चाहे तो, जिस तरह ये दे रहे हैं कि देवदत्त में प्रसह्य कारिता देखी, उसको देख करके लगने का ये तो शेर की तरह से है, शेर याद आ जाता है हमारे को, क्योंकि ये गुण शेर में मिलता है, वो इसके अंदर ले लिया, इस तरह से शेर वहां पर हमारे को याद आ जाता है, लक्षित कर लिया जाता है। और फिर हम कहने में अगर कहते हैं कि सिंहो देवदत्ता, तो वहां तो जो शेर शब्द है, सिंह शब्द है, वो सिंह व्यक्ति को नहीं बता रहा होता, उसके गुण विशेष को बता रहा होता है, और यहां देवदत्त उस गुण विशिष्ट है, इसको कथन में अर्थबोध निकलेगा। तो किसी भी संबद्ध को लक्षित करना ही सामान्य अर्थ है। और कोई? हाँ, ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1794 जी, अधिकरण संख्या 5, इसका जो जिस वाक्य पे यहाँ पर विचार कर रहे हैं, इस वाक्य का पहला अंश है अथ यस्य पुरोडासो क्षायतः, तो इसको यहाँ पर जो यस्य लिखा हुआ है, इसके लिए सिद्धांति ने 1795 पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति में तत्र यस्य इति निमित्त श्रवणम, तो ये जो यस्य है ये निमित्त श्रवण है ऐसा बताया है, तो यस्य कैसे निमित्त श्रवण होगा? यस्य अकेला शब्द नहीं, यस्य को भी संज्ञा तो संकेत है, यस्य पुरोडासो क्षायतः, इस पूरे को लेंगे, ये जिस यज्ञ के दोनों पुरोडाश नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति, इसमें ये निमित्त ही कहा गया, जिसके ऐसे होते हैं उसको वरुण गृहित करता है, जिसके ऐसे गृहित नहीं होते, जिसके ऐसे दग्ध नहीं होते उसको वरुण गृहित नहीं करता है, तो वो निमित्त के रूप में ही कहा जा रहा है, सब यज्ञों के नहीं होंगे, जिस यज्ञ में पुरोडाश जल जाते हैं उसमें ऐसा होने पर ही होगा, तो ये निमित्त के रूप में ही कथन है जी। और आचार्य जी इसी में कि यहाँ पर अथ यस्य पुरोडासो क्षायतः, तो इस वचन को लेकर के सिद्धांति यहाँ पर कह रहा है कि जब पूरा पुरोडास जलेगा तभी प्रायश्चित्त होगा, और जब ऐसा मान रहा है तो उस पक्ष में फिर यदा तद हवि ही संतिष्ठेत अथ तदेव हविर निर्वपेत, तो इसका अर्थ वो ऐसे कर रहे हैं कि तद हवि से वहां पर तद हविष का कर्म लिया गया है, मतलब वो हवि वाला जो कर्म है वो संतिष्ठेत वो समाप्त हो जाए, तो मतलब ऐसा अर्थ लेने पर इस वाक्य की संगति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो यदा तद हवि संतिष्ठेत, जब वो उस हवि वाला जो कर्म है वो स्थिर रहता है, हवि तो वही है, ठीक है, इसके अलग अलग अर्थ है ना। ये देखिए, इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है ये तद हवि संतिष्ठेत 1794 पर, नीचे देखिए हिंदी का जो अर्थ रेखा से ऊपर, जब वह हवि अवशिष्ट रहे तो उस हवि का निर्वाप करें, ये अवशिष्ट पे देखो 5 संख्या लिखी हुई है, उस पर लिखा यह अर्थ पूर्व पक्षी के मतानुसार है, शुद्ध अर्थ आगे 21वें सूत्र में देखें, तो संतिष्ठेता का मतलब उसकी हवि बची हुई रहे, ये अर्थ करते हुए कर रहा है, हवि बची हुई रहती है तब, तो उसी हवि का निर्वाप करें, या समाप्त करने के अर्थ में नहीं है, बची रहे, हवि बची रहे, तो यानी पूरी जली नहीं है, तो उसी हवि से यज्ञ को पूरा करें, उसी हवि का निर्वाप करें। और इन्होंने जो 21वां सूत्र है ये तो, और
एक और जगह इन्होंने नाश करना ही अर्थ समाप्ति अर्थ लिखा है इन्होंने 96 पर जो लिखा है हाँ भाष्य में, तो यदा तदहवी संतिष्ठते, जब वह हवी समाप्त हो जाती है तब उसी हवी से याग करें। तो ये जो इन्होंने समाप्त लिखा है ना, जब वह हवी समाप्त हो जाती है, तो यहां पर असमाप्त अर्थ लेना चाहिए, शेष बची रहे तब। इस पे परांजपे जी से भी पूछा था, तो क्योंकि इन्होंने समाप्त अर्थ लिख दिया ना यहां, तो समाप्त वाला अर्थ तो पूर्व पक्षी पे घटेगा नहीं। ये जो आक्षेप है, ये जो बोलने वाला है, ये यहां पर भी पूर्व पक्षी ही है, ठीक है? नहीं, ये 1796 पे बोल रहा हूं, 18वें सूत्र में भी आया ना, यदा तदहवी संतिष्ठे था, तो संतिष्ठे तो आया ही, तेने हविषा संस्थानम दर्शयती अतः तदेव हविर निर्वपेत। इसमें संतिष्ठेता शब्द से संस्थान को ले लिया गया, समाप्ति को सीधे सीधे नहीं लेंगे उससे, तो इस जब वो हवि रहे, अवशिष्ट रहे, अतः तदेव हविर निर्वपेत, उसी हवि का निर्वाप करे, मतलब उससे समाप्त करे, ऐसे तात्पर्य से लेगा। संस्थान मतलब समाप्ति भी होता है, पर वो इसलिए यहां पर इन्होंने समाप्ति अर्थ लिख दिया नीचे। इस प्रकार वचन उसी हवि के ही उसी हवि से ही समाप्ति दर्शाता है, कर्म की समाप्ति दर्शाता है, उसी हवि से कर्म की समाप्ति दर्शाता है। जब वह हवि समाप्त हो जाती है, यह ऊपर है, जब वह हवि समाप्त हो जाती है, यह इन्होंने संतिष्ठेता का अर्थ समाप्त हो जाती किया, तो वहां पर जब वह हवि असमाप्त होती है, यानी समाप्त नहीं होती है, यह आना चाहिए यहां पर। हाँ, इसमें समाप्ति ही आना ज्यादा संगत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है समाप्त हो जाती है उस हवि से याद करें, अगर ऐसा अर्थ ले लें तो आगे उन्होंने कोष्टक में लिखा है इस प्रकार वचन उसी हवि से ही समाप्ति दर्शाता है, और यह दर्शन सर्वधाम में उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हवि समाप्त हो गई तो आगे याग होगा ही नहीं, इसलिए एक देश के धाम में ही प्रायश्चित होता है। एक इन्होंने नीचे लिखा है, एक देश क्षणम अपि क्षणमेव यदि तत्र न क्रियते श्रुतम न क्रियते न चैतत युक्तम। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा, अपि च दर्शयति, ये सिद्ध कर रहा है, इति तेनैव हविषा संस्थानम दर्शयति, उसी हवि से कर्म की समाप्ति को दर्शा रहा है। तत् सर्वक्षामे नावकल्पते, ये यहां पर है, तो ये संतिष्ठेता का अर्थ सर्वक्षाम नहीं है यहां पर। नीचे देखिए, आप हिंदी वाला कह रहे हैं और वचन दर्शाता है, ये वचन दर्शाता है, पूर्व पक्षी अपने पक्ष में बोल रहा है, सिद्धांति की बात नहीं कह रहा है। यदा तदहवि संतिष्ठते अथ तदेव हवि निर्वपेत, जब वह हवि समाप्त हो जाती है तब उसी हवि से याग करे। इस प्रकार एक अलग कर दो, वचन उसी हवि से ही समाप्ति दर्शाता है, मतलब कर्म की समाप्ति दर्शाता है, यह दर्शन सर्वदा में उपपन्न नहीं होता। तो यह सिद्धांति की दृष्टि से समाप्ति नहीं कह रहा है कि जब सारी जल जाएगी, तो ये जब वह हवि समाप्त हो जाती है, ये यहां लिखने में ही समाप्त का मतलब जो होगा ये असमाप्त, शेष बची रहे, समाप्त ठीक नहीं है यहां पर पूरा। जब वो अभी असमाप्त रहती है, यानी अवशिष्ट रहती है, ये यहां पर आना चाहिए, शेष बची रहे तब उसी हवि से याग करता है। यानी इसका अर्थ जो प्रारंभ में किया है 1794 पर, कि ये पूर्व पक्षी के मत से मतानुसार है, वो ही पूर्व पक्षी का मत यहां भी आना चाहिए, है अवशिष्ट रहे। हाँ, संतिष्ठति मतलब है, वो विद्यमान है, विद्यमान है मतलब तो बिना जली हुई विद्यमान है, ये अर्थ ही आएगा। जी आचार्य जी, इसमें मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी की, जो पहले वाक्य में था यस्य पुरोडासो क्षायतः, वहां पर आधा जलने का या पूरा जलने का कुछ भी कथन नहीं था, परंतु सिद्धांती इस वचन से पूरे जलने को ले रहा था, तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि यहाँ से पूरा जलना इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बाद के वाक्य में कहा गया है कि जो बचा है उससे करे। बिल्कुल, तो इसका मतलब बिल्कुल ये, तो कुछ बच रहा है। हाँ, वो बचा हुआ है, मतलब जलना मतलब पूरा नहीं जला है, अगर पूरा जल गया होता तो फिर उससे आहुति कैसे देता वो,
इसका मतलब है पूरा नहीं जला है वो, ठीक है। यस्य पुरोणाशौ क्षायतः, उसके पुरोणाश जल जाते हैं, तो अब ये तो वाक्य विशेषण विशेषित नहीं है कि यहां पूरे जल जाते हैं आधे जल जाते हैं, ये तो इस वाक्य से पता नहीं लग रहा है, कथन से पता नहीं लग रहा है दोनों अर्थों में। तो अगली पंक्ति को पूर्व पक्षी अपने पक्ष में लेते हुए कह रहा है, इससे पता लगता है कि ये पूरे नहीं जलते हैं, पूरे नहीं जलते हैं। और सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, इससे ये नहीं पता लगता है, ये जो प्रायश्चित है तथा तदेव हवि निर्वपेत, तो यदा तद हवि संतिष्ठेत, ये तो दूसरे हवि से भी हो सकता है जी। मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार तो ये अर्थ बैठ रहा है, लेकिन सिद्धांति जब इसको तद हवि से तद हविष के ऐसा अर्थ कर रहा है तो उसमें जा रहा है वो तद हवि संतिष्ठेत, तद हविष्कम कर्म संतिष्ठेत, उस हवि वाला कर्म अगर रहता है तो समाप्त होता है, तो वो समाप्त होता है, रहता है मतलब पूरा किया जाता है उस हवि वाला। एक तो होता है कि वो पूरी जल गई है और वो कर्म ही समाप्त हो गया, कर्म समाप्त नहीं हुआ, दूसरी हवि से उसको पूरा कर लिया। जो हवि पूरी जल गई है, जिस कर्म की पूरी हवि जल गई है, वह कर्म भी पूरा किया गया। तो कैसे पूरा गया, वो तो अन्य हवि से भी किया जा सकता है, इसमें यह अनिवार्य था थोड़ा है कि उसी वो ही हवि पूरी नहीं जली है तो उसी हवि से किया गया हो, वो तो अन्य हवि से भी पूरा किया जा सकता है। कर्म की समाप्ति तो पूरे हवि से भी, दूसरी हवि से भी हो सकती है, ये सिद्धांत कह रहा है। आचार्य वर्य, हाँ, अत्र सप्तनवति पृष्ठ संख्या, हाँ, अत्रापि वाक्यं वर्तते यदा तद हवि संतिष्ठेत, द्वितीय पंक्ति, अस्य अर्थ हिंदी भाषायां लिखितम् अस्ति जब वह हवि समाप्त जल जाती है, अत्रापि पूर्व पक्षिण वचनम वर्तते, ये सिद्धांत का है। उपरिष्टात द्वितीय पंक्ति, हाँ, पूर्व पक्षिण अस्ति, हाँ, ये पूर्व पक्षी का है, नहीं सिद्धांत का है, अच्छा पूर्व पक्षी का है, ठीक है, हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ यदुक्तम क्षामेण हविषा समाप्तिर दृश्यते, समाप्तिर दृश्यते, क्षाम हवि से कर्म की समाप्ति देखी जाती है, यदा तद हवि संतिष्ठेत इति उच्यते, इसका उत्तर कह रहे हैं। ये तो पूर्व पक्षी ही कह रहा है, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब उस हवि से, यहां भी समाप्त जल जाती है ठीक नहीं है, यदा तद हवि संतिष्ठेत इति, क्षाम हवि से कर्म की समाप्ति देखी जाती है, यदा तद हवि संतिष्ठेत, ये केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे से भी जोड़ना पड़ेगा, अथा तदेव हवि निर्वपेत, इसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। हिंदी में जो लिखा है ना वो नहीं है, ठीक है, इसके लिए देखिए इसको करना पड़ेगा, जब वह हवि, अवशिष्ट रहे, यही अर्थ करना चाहिए इसमें, कहना इस विषय में कहते हैं, उच्यते संस्थाने निमित्ते प्रायश्चित्तम, कर्म की समाप्ति होने पर प्रायश्चित्त का है। आचार्य जी इसमें यदा तद हवि ही संतिष्ठेत अथ तदेव हवि निर्वपेत, तो यहाँ पर भी यदा तद हवि संतिष्ठेत जब अर्थ करेंगे तो यहाँ ये भी निमित्त के रूप में ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे इसमें निमित्त के रूप में आ रहा है तो कर्म को निमित्त बना लिया ना इन्होंने, तद हविष्कम कर्म तिष्ठेता इति, इन्होंने कहा भी है कि ये कर्म निमित्तक बनेगा, यहां भी कहा है ना, संस्थाने निमित्ते प्रायश्चित्तम, ये 1797 पे भी देखिए तीसरी पंक्ति, उच्यते संस्थाने निमित्ते प्रायश्चित्तम, जब वो स्थिर हो गया यानी कर्म रुक गया है उस निमित्तक प्रायश्चित है, न कि हवि के दग्ध होने निमित्तक है, नहीं तो अंतर हो गया ना दोनों में। इसमें जो नीचे लिखा है इन्होंने हिंदी में, संस्थान कर्म की समाप्ति निमित्त होने पर प्रायश्चित करा है, समाप्ति की जगह यहां पर ये रुक जाना, कर्म का रुक जाना। आचार्य जी फिर यहां पर सिद्धांती के पक्ष में तो फिर दो निमित्त बन गए, एक तो यस्य हवि क्षायतः, हवि जलना भी है साथ में कर्म रुकना भी है, जब ऐसी स्थिति होगी तभी प्रायश्चित होगा। देखो दो पंक्तियां अलग अलग हो गई ना, कि जिसका यस्य पुरोराशौ क्षायतः तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति, ये क्रिया पूरी हो गई, वरुण उस यज्ञ को गृहित कर लेता है, अभी यहां पर प्रायश्चित का कथन नहीं किया गया ना,
वरुण गृहित कर लेता है, यदा तद हवि संतिष्ठ अथ तदेव हवे निर्वपेत। ये यहां पर दूसरे ढंग से दूसरी बात कही गई, ठीक है, क्योंकि अगर यहां दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं तब सर्वदाह की मुझे लग रहा प्राप्ति हो रही है, क्योंकि सर्वदाह की प्राप्ति हो रही है। ऊपर जो कहा गया उसका मतलब सर्वदा ही है, क्योंकि सर्वदा होने पर ही वो कर्म रुकेगा, कब अल्प होता तब तो वो कर्म रुकता ही नहीं, जैसा पूर्व पक्षी भी कह रहा है, फिर तो चलता ही रहता। अब यहां अंतिम में फिर तदेव हवि से कोई दूसरी भी हवि ले रहे हैं, तदेव हवि, क्योंकि ये जो सत्य नहीं, वो तो कह रहे हैं दूसरी से भी हो सकता है वो तो, हाँ वो, लेकिन यहां पर ये देख रहे हैं कि तद हविष्क में, क्योंकि तद हविष्क ये जो है ये अनुवाद है, इसलिए कोई दूसरी भी हवि ली जा सकती है। हाँ। लेकिन अनुवाद मतलब ये तो निमित्त है यहाँ पर, फिर से बोलिए, यहाँ पर 1798 पृष्ठ में सिद्धांति ने कहा था कि ये जो हवि ही शब्द है ये अनुवाद है, और अनुवाद होने से अन्य हवि के द्वारा भी मतलब हो सकता है, तो जब ये निमित्त के रूप में यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर अनुवाद होने पर भी, क्योंकि जो हवि का निर्वाप करना है वो तो तदेव हविर निर्वपेत इस वाक्य से आ रहा है यहाँ पर, तदेव हविर निर्वपेत, ठीक है, यदा तद हवि संतिष्ठेत, तद हवि में भी यहां पर यह अनुवाद कह रहे हैं ना, तद हवि के लिए केवल यह अनुवाद कह रहे हैं, फिर से बोलिए अपनी बात को। जी यहाँ पर यदा तद हवि ही संतिष्ठेत अथ तदेव हवि निर्वपेत, तो इसमें यदा तद हवि संतिष्ठेत ये तो निमित्त के रूप में लग रहा है, और अथ तदेव हवि निर्वपेत यहाँ पर हवि के निर्वाप का कथन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यदि तदेव हवि ही वाला जो हवि है उसको अनुवाद मानेंगे तो फिर हम दूसरी हवि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तद हवि वाले को अनुवाद माना है, तो उसके द्वारा फिर सभी हवियों से कैसे किया जा सके। आप कह रहे हैं कि अथ तदेव हविर निर्वपेत, इसमें तदेव है ये तो अनुवाद लग रहा है, मेरी बात तो भी आपकी बात को मैं दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको मैंने ठीक समझाया नहीं समझाया वो आप पूरा सुनेंगे तो होगा, आप ये कहना चाहते हो आपसे तात्पर्य ये निकल के आ रहा है अथ तदेव हविर निर्वपेत, इसमें जो तदेव है ये अनुवाद है ये लेना चाहिए, क्योंकि यदा तद हविर संतिष्ठे थे वहां पहले कहा जा चुका है उसको अनुवाद के रूप में कहेंगे ना, जबकि यहां पर तदेव हवि ये नहीं कहा, यहां पर तद हवि शब्द को अनुवाद माना है, आपका कहना है कि तद हवि यहां पर अनुवाद नहीं होना चाहिए, यहां तदेव ही अनुवाद होना चाहिए, और तदेव क्यों अनुवाद होगा, क्योंकि तद हवि पहले कहा जा चुका है। अब चलो मैं आपकी बात से जो निकल रहा है वो मैंने साथ में बोला, लेकिन आप ये कह रहे हो कि तद हवि यहां पर अनुवाद नहीं है, इन्होंने तो यहां पर तद हवि को अनुवाद कहा है, अनुवाद तो यहां पर तदेव हवि यहां हो सकता था, ये कह रहे हो ना, तो यहां तदेव हवि यह अनुवाद क्यों हो सकता था, तो पहले कहां कथन हुआ था, तो आप इसको कहोगे यदा तद हवि संतिष्ठे था, कहीं भी कहो चलो आप उससे पहले ले लो, लेकिन अतः तदेव हवि ये तदेव है इसको आप अनुवाद कह रहे हो, इसको आप अनुवाद कह रहे हो ना, तद हवि को आप अनुवाद नहीं कह रहे हो, अनुवाद कौन सा है जी, मैं इसको अनुवाद इसलिए कह रहा हूं, किसको कह रहे हो अनुवाद पहले ये बताओ, तदेव हवि ही इसको अनुवाद कह रहे हो आप, इसको अनुवाद इसलिए कहना चाहिए मुझे लग रहा है, तो ये तो इन्होंने तद हवि को कहा, इन्होंने तदेव को अनुवाद कहना चाहिए, ये अनुवाद है, ये इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको अनुवाद बनाएंगे तो फिर हम दूसरी हवियों से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुवाद होता है तो उसमें अविवक्षा होने से दूसरी हवियां भी आ सकती हैं, तो जब दूसरी हवियों से भी जब हम कर सकते हैं ये कथन कर रहे हैं तो उसका मतलब उसकी विधि होनी चाहिए, मतलब उसका अनुवाद अनुवाद जो होगा वो तदेव हवि का अगर होगा तो हम दूसरी हवियों का भी निर्वाप कर पाएंगे, परंतु यदि तद हवि को अनुवाद मानेंगे तो संतिष्ठते के साथ में केवल जुड़ा हुआ है वो, निमित्त के साथ में, तो निर्वाप के साथ में तो जुड़ा ही नहीं वो। गंगा प्रसाद जी ने 21वें सूत्र का जो लिखा है उसको देखिए, हवि का अर्थ है इज्ज्या होम द्रव्य नहीं, उसका लिंग वचन विद्यमान है,
हवि शब्द का अर्थ है इज्जा होम, अतः जब कहा कि हवि नष्ट हो गई तो इसका अर्थ है कि वह याग नष्ट हो गया जिसमें हवि डाली जाने को थी। ठीक है, यहां पर तो स्पष्ट ही है। अब प्रश्न है कि गौण अर्थ तभी लिया जाता है जब मुख्य अर्थ लिया ही ना जा सके, अन्यथा नहीं। यानी आप क्यों ले रहे हो? उत्तर है यहां भी मुख्य अर्थ नहीं लिया जा सकता। कैसे? तो उत्तर दे रहे, मुख्य अर्थ लेना हो तो ऐसा होगा, जो लिखा हुआ है अगर उसका मुख्य अर्थ लेना होगा तो क्या होगा, वो ये है, कथम यदा संतिष्ठेत तत्कर्म। मुख्य अर्थ लेना होगा तो ये होगा, यो हवि को पूरा करता है, इसमें लिखने में बहुत अशुद्धियां हैं, यो हवि को पूरा करा है तो यज्ञ को हवि उसी हवि से करना चाहिए। वाक्य ही इसमें नहीं है, यहां पर ठीक ही नहीं है। ये इसका अर्थ कर रहे हैं यदा संतिष्ठेत तत्कर्म, जब वह कर्म रुक जाए तो तेन हविषा इति वाक्यम, तो किससे करे? तेन हविषा, उस हवि से। अगर पूर्व पक्षी मुख्या भाव एवायम, कथम मुख्य का भाव कहते हैं यदा संतिष्ठेत कर्म तेन हविषा इति वाक्यम भित्येत अवाचकम सस्यात्, कर्म इव संतिष्ठते न हवि। तो यहां वाक्य का भेदन होगा, इन्होंने लिखा और अर्थ भी कुछ नहीं निकलेगा, अवाचकम च स्यात् मतलब अर्थ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरा करना है यज्ञ को, निमित्त न हवि द्रव्य को, न भी हो गया, इसलिए तद हवि केवल होम करने का निमित्त बताता है और अनुवाद मात्र है। इसलिए तद हवि केवल होम करने का निमित्त बताता है और अनुवाद मात्र है। अर्थात उस समय होम किया जाए जब वह हवि डालनी चाहिए थी, ऐसा मानने से एक लाभ होगा, अर्थात प्रायश्चित तो होम में दूसरी हवि भी डाली जा सकेगी, अर्थात समस्त पुरोडाश जल जाने पर भी प्रायश्चित होम हो सकेगा। इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है। देखो इस वाक्य को फिर से देखिए, जो ये सिद्धांत किसमें इस सूत्र में कह रहा है यदा तद हवि संतिष्ठेता, अभी यदा करके जो कहा गया तो ये निमित्त ही कहा जा रहा है, निमित्त कहा जा रहा है, और सिद्धांत ये कह रहा है कि ये हवि का जलना ये निमित्त नहीं है, यहां पर वो कर्म का रुकना यहां पर निमित्त है। ठीक है, तो इसमें जो हवि शब्द है ये केवल हवि मात्र का ग्रहण करा रहा है, इसमें कोई विशिष्ट हवि की बात नहीं है, बस ये हवि कर्म को कह रहा है। यदा तद हवि संतिष्ठित अथ तदेव हवि निर्वपेत, तद हवि रीति अनुवाद अनुवादश्चेत अन्य हविष के भी कर्मणि संस्थिति प्रायश्चित्तमिति गम्यते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि तद हवि जो है इसको अथ तदेव हवि निर्वपेत, इसमें भी क्या है कि जब यदि हम तद हवि से विशेष को ले रहे हैं, इसको अनुवाद कहने शुरुआत से ही अनुवाद मानना पड़ेगा। सामान्य सिद्धांत तो ठीक है कि वो अनुवाद है तो उसमें पुरोडाश वाली ही हवि हो ये कोई बात नहीं है, हवि मात्र कोई भी ली जा सकती है, ये एक सामान्य उसमें अर्थ निकल के आएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमने पहले पुरोडाश ही लिया है, अतः यस्य पुरोडाशो क्षायतः तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति यदा तद हवि, अब ये जो तद हवि है भले ही ये अनुवाद हो, हवि उस हवि वाला जो कर्म है ये अर्थ भी कर लेंगे तो भी हवि विशिष्ट कर्म है वो, और वो हवि कौन सी ली जाएगी, वो पुरोडाश चूंकि कथन किया जा चुका है इसलिए पुरोडाश ही लिया जाएगा उसके अंदर। उस तरह से भी भले ही ये अनुवाद है लेकिन चूंकि पहले पुरोडाश नामतः श्रुति से कथन कर दिया गया है इसलिए उससे भिन्न नहीं जा सकता, यहां पर अर्थ नहीं जाना चाहिए। यदा तद हवि संतिष्ठेत अथ तदेव हवि निर्वपेत, ठीक है इसको विचार नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर ये तद हवि को अनुवाद मान भी रहे हैं या तदेव हवि को भी अनुवाद मान रहे हैं तो भी पहले चूंकि पुरोडाश शब्द आ चुका है तो अन्य का ग्रहण तो ये नहीं करवा सकता। सामान्य रूप से अगर कथन होना तब तो औरों को ले सकता है, ये तो बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है इसको छोड़ दीजिए अभी।
और कुछ पूछना है? हाँ संतोष जी। ओम। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1799 1799 है, 1799। हाँ वो हो गया, आगे क्या बोले? सूत्र संख्या 22। हाँ। भाष्य की अंतिम से, अंतिम पंक्ति मध्य से, इतरथा यावत एव हवि इति तावत उभयम हवि इति स्यात्। तावत एव उभयम हवि इति स्यात्। हाँ। यहाँ पर जो यावत और तावत है, ये क्या परिमाण को बता रहा है? हाँ। ठीक है, हवि शब्द जिसको कह रहा है, उभयम हवि भी उसी शब्द, उसी को उतने को ही कहेगा। यदि उभय शब्द श्रूयमाण होते हुए भी अविवक्षित हो तो क्या प्रसंग है? यदि उभय शब्द, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये वो कह रहा है कि उभय शब्द पढ़ा गया है तो वो विवक्षित होना चाहिए। पलट करके बोल रहा है सिद्धांति को, यदि उभय शब्द यहां अविवक्षित हो तो फिर तो जो अर्थ हवि का है वही अर्थ, और वही अर्थ उभयम हवि का भी होना चाहिए, कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए फिर तो, फिर तो कोई अंतर ही नहीं होगा, ये दोष बता रहा है उसमें। जबकि अंतर पढ़ना चाहिए, हवि शब्द केवल लिखा है तो उसका अलग अर्थ है, उभयम हवि लिखा हुआ है तो उसका अलग अर्थ होना चाहिए, समान तो नहीं होने चाहिए ना, शब्द भेद से अर्थ भेद भी वहां पर आना चाहिए। इतर्थात यावदेव हवि रीति तावदेव उभयम हवि रीति स्यात्, दोष को बताया जा रहा है। तस्मात उभयो आर्त्याम पंच शराव इति, उभय का को विवक्षित ही मानना पड़ेगा, ऐसा कह रहा। और एक प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 1784। हाँ 1784 जी। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ। हाँ, पहला पंक्ति शेष भक्षो अन्य अप्रकरणस्थ ही कर्तव्य। यहाँ पर जो अप्रकरणस्थ पुरुष जो कर्तव्य बताया गया है, यहाँ पर अप्रकरणस्थ पुरुष का अर्थ क्या है? मतलब यज्ञगत कर्म से भिन्न कोई भी पुरुष है? हाँ, कोई भी है, जगत कर्म से भिन्न है लेकिन उसका सहयोगी पुरुष, ये ले जाएगा। कोई भी है, कोई भी मनुष्य ले सकते हैं। अप्रकरणस्थ मतलब उस यज्ञ से जुड़ा हुआ नहीं है, ऋत्विक आदि नहीं है, वैसे ही जो भी है कोई भी। हाँ। यज्ञ से असंबद्ध व्यक्ति भी। पृष्ठ संख्या 1800 जी। हाँ। सूत्र संख्या 23, ये जी अस्पष्ट है। सूत्र संख्या 23 है, इसमें इसकी स्पष्टता नहीं हुई जी। सूत्रार्थ की जी। हाँ तो देखिए, इसमें न तो निषेध कर ही दिया है इसने, ये सिद्धांति का सूत्र है तो न, तो ये तो निषेध कर दिया। अब इसमें लिखा है कि तल लक्षणत्वात् उपात्तो ही कारणम, तल लक्षित उससे लक्षित होने के कारण से। उपपात शब्द को खोलते हुए इन्होंने जो लिखा है, उपपात ही कारणम, यहां उपपात कारण है। भाष्य में नीचे अर्थ सूत्रार्थ करते हुए जो कारणम शब्द नहीं लिखा है इन्होंने, उपपात है कारणम, कारणम भी जोड़ दीजिए चाहे तो। उपपात का मतलब है नाश जी, और नाश को का मतलब है आरती, लेकिन नाश किसका? आरती संबद्ध द्रव्य को ले रहे हैं। उपपात का मतलब नाश, उपद्रव हो गया, वो यहां पर है जलना, लेकिन उपपात से ये जलने को न लेकर के जला हुआ द्रव्य जो है, जलने से संबद्ध जो द्रव्य है उसको ले रहे हैं। तो नाश मतलब आरती संबद्ध जो द्रव्य ही पंचशराव का कारण निमित्त होवे, उपपातो ही कारणम। देखो, एक तो हम कहें कि जो जलना है ये निमित्त बनेगा, यहां जो नीचे अर्थ रखे हैं कि जलने से संबद्ध जो द्रव्य है वो पंचश्राव का निमित्त है, वो कारण है, उपपातो ही कारणम। क्यों? तल लक्षणत्वात्, हवि की आरती के उपपात का लक्षण विशेषण होने से। हविर आरती, हवि की आरती के उपपात का लक्षण विशेषण होने से। हविर आरती जो लिखा है ना, आरती है, जलना है, वो जलना को किसका जलना? हवि का जलना। आरती का विशेषण क्या बनाया? हवि। हवि का जलना,
आर्तिम आर्चेत, ठीक है, उभयम हविर आर्तिम आर्चेत, ये है ना आर्तिम आर्चेत। तो आर्तिम मतलब आरती कौन सी, हवि से संबंधित, हवि से संबंधित, तो हवि को उसका विशेषण बना दिया, हविर आर्तिम आर्चेत। तो उपपात को चूंकि ये जो अर्थ किया है ना, उपपात से संबद्ध द्रव्य है, ये भाष्य के अनुसार किया है, भाष्य की पंक्ति देखिए, नहीं तदेवम, ये तो ना का अर्थ हो गया, उपपातो ही आरती संबद्धम द्रव्यम तत्कारणम। उपपात क्या है, उपपात मतलब आरती रूप जो उपपात है उसका मतलब क्या है, ये उपपातो ही के बाद में अल्प विराम लगा हुआ है जी, इसकी जगह बराबर कर लीजिए, उपपात को ही खोल रहे हैं ये, उपपातो ही आरती संबद्धम द्रव्यम, उपपात का मतलब है आरती से जुड़ा हुआ जो द्रव्य है, तत्कारणम वह द्रव्य यहां पर कारण है, आरती विशिष्ट जो द्रव्य है वो कारण है जी। तस्य लक्षणम, उसका जो लक्षण है क्या, तल लक्षणत्वात्, ये जो लक्षण है तस्य लक्षणम हविर आरती ही, सिद्धांति कह रहे हैं, और उसका जो लक्षण है क्या, हविर आरती, हवि की आरती, ये जो हवि का जलना है, तद व्यस्तम समस्तम वा निमित्तम, चाहे वो दोनों हो चाहे अकेले हो वो निमित्त बन जाएंगे, हवि का जलना ये निमित्त है यहां पर। न ही उभय शब्दे न शक्यम विशेषतम, इसको उभय शब्द से विशेषित नहीं किया जा सकता, विशेषित करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, उसको इन्होंने आगे बताया। तो सूत्रार्थ ऐसे बनेगा, न तल लक्षणत्वात् उपातो ही कारणम, उपपातो ही कारणम, उपपात यानी हवि का जलना यही यहां पर कारण है, और उसको ही लक्षित यहां पर किया है, उसके लक्षित किए जाने से हविर आरती शब्द से उसको ही निमित्त को ही उसको लक्षित किया गया है, हविर आरती शब्द से उसको लक्षित किया गया है, यानी उसके होने पर उसको निमित्त बनाया गया, उसके होने पर प्रायश्चित किया जाएगा। तो उपपात जलने से युक्त जो द्रव्य है वो यहां पर कारण है, क्यों कारण है, तल्लक्षणत्वात् उसको उसको लक्षित किया जाने से, उसको लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाने से, हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाने से, कब होगा ये, तो हविर आरती। उपपात अत्र विनाशस्य द्योतक अस्ति अथवा द्रव्यस्य, उपपात का, उपपात का सामान्य अर्थ तो नाशी होता है, लेकिन यहां पर ये उसको लक्षणा से द्रव्य पे ग्रहण कर रहे हैं, ये द्रव्य मान करके कर रहे हैं, जो भाष्य है ना उपपात हो ही, उपपात क्या है, आरती संबद्ध द्रव्यम, ये एक ही वाक्य है, मतलब अल्प विराम यहां नहीं है ना, तो तत्व कारणम न द्रव्यम कारणम न भवति विनाश कारणम भवति, विनष्ट द्रव्य वहां पर कारण बन रहा है। यस्य उभयम हवीर आर्तिम आर्चेत, इन्होंने उसको आगे दोष दिखाया भी था, इसमें दिखाया भी है कि अगर केवल आरती को ही कारण मानेंगे और हवि को विशेषित नहीं करेंगे तो कोई भी आरती, अंततश्चरितम निमशित निमिषितम चिंतितम इति, कुछ भी वहां पर आरती को प्राप्त हो सकता है, तो फिर तो सभी जगह होने लगेगा और ये नित्य हो जाएगा, अनित्य यानी नैमित्तिक नहीं रह पाएगा, इसलिए आरती हवि आरती, हवि विशिष्ट आरती है, ये हवि विशिष्ट, हवि विशिष्ट आरती एव अत्र विशेष्य भवति न, परंतु अत्र यथा लिखितम अस्ति तेन तो द्रव्य विशेषणम विशेष्य अस्ति और आरती विशेषणम अस्ति एवं प्रतीयते, हवि आरती को प्राप्त हो जाए, जिसकी हवि आरती को प्राप्त हो जाए, ठीक है, प्रथम दृष्टया हमारे को आरती ही वहां पर हेतु के रूप में दिखाई दे रही है, ये जो अर्थ कर रहे हैं वो ये है कि यहां आरती से संबद्ध द्रव्य है वो कारण है, आरती अपने आप में नहीं है, आरती तो और जगह भी होती रहती है, उतने मात्र से यहां पर प्रायश्चित नहीं किया जा रहा है, आरती निमित्त नहीं है, द्रष्टव्यम कि हवि अत्र कारणम नास्ति विनाश एव कारणम अस्ति, यदि हवि वर्तते विनाश नास्ति, दोनों चाहिए, नहीं दोनों होने चाहिए, उसका तो कोई निषेध नहीं है, हवि अपने आप में कारण नहीं है, आरती विशिष्ट जब हवि होगी तो कारण होगी, आरती जब हवि में होगी
तब कारण होगी। ठीक है, तो जली हुई जो हवी है ना वो कारण हो रही है। हाँ बोलो, जली हुई हवी होगी ना तभी वो काम रुकेगा, और चीजों में दोष होगा तो कारण नहीं रुकेगा। आप पलट करके बोलिए फिर से। हवी अत्र कारण नास्ति, हवे हविषा द्रव्य से यदा विनाश भवति तत्रैव भवति न तो हविषा द्रव्य से उपस्थित हो। तो केवल नाश कारण नहीं हुआ ना, केवल नाश कारण नहीं हुआ ना। विशेष विशेषण यदि वयम पश्याम तत्र विनाश विशेषो भवति, अभी तत्र विशेषणम अस्ति, परंतु अत्र यथा प्रतिपादितं भवति कि द्रव्य विशेष अस्ति और विनाश तस्य विशेषणम वर्तते। जब हवी आरती को प्राप्त हो गए तो ये प्रायश्चित करें, तो केवल आरती नहीं होगा, इसको यूं कहिए कि जब हवी आरती को प्राप्त हो गए, मतलब तो हवी जब आरती से विशिष्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे रचना की दृष्टि से तो हवी विशेषण है आरती का, आरतिम आर्चेत, इसको जब हम क्रिया से देखेंगे तो आख्यात से जोड़ के देखेंगे तो आरतिम आर्चेत मूल तो यहां पर हो गया, क्रिया से जोड़ा तो आरतिम जो है ये, तो आरतिम का विशेषण है हवि, आरतिम का अर्थ है हवि, तो उसमें हमारे को निमित्त आरती ही दिखाई दे रहा है। ये कहना चाहते हैं वास्तव में वहां पर निमित्त वो हवि है, आरती वहां पर निमित्त नहीं है। आपका कहना है कि यदि हवी ही अगर कारण होता तो बिना आरती के भी हवी होने कारण बन जानी चाहिए थी, नहीं, लेकिन आरती विशिष्ट हवी होगी ना। हवी आरती को जब प्राप्त होवे, लक्षण है आरती विशिष्ट हवी एवं किमर्थम क्रियते, हवी विशिष्ट आरती एवं किमर्थम न क्रियते। यहां तो ये उपात्त शब्द के लिए कह रहे हैं, उपात शब्द का मतलब उपपात का मतलब, लक्षण क्रिया तो लक्षण से कर रहे हैं ना, तो करना पड़ रहा है उनको। उपात सूत्र में जो उपपात लिखा है तो उपपात तो मतलब आरती है वहां, तो ठीक है उस वाक्य में अभिदया सिद्धियति पुनः लक्षण का आवश्यकता। देखो आरती मात्र नहीं, आरती के होने से क्या दिक्कत आ गई है, जलने से क्या दिक्कत आ गई है, जलने से क्या हो गया, कर्म तुम्हारा नहीं, कर्म क्यों नहीं हो सकता है? हवे, हवे हवे क्योंकि वो हवी हवी नहीं रही है, क्योंकि वो हवी हवी नहीं रही है। अब जैसे आता है देवताओं को ना तो कच्ची हवी देनी चाहिए अपक्व अर्धपक्व, और ना अतिपक्व दग्ध वो नहीं देनी चाहिए, संपक्व देनी चाहिए। तो हवी का नाश हो रहा है उससे, आरती के कारण हवी का नाश हो रहा है और हवी अयोग्य बन रही है। हवी अयोग, हवी की अयोग्यता वहां पर निमित्त है, और वह अयोग्यता क्या है? ठीक है, विशेषण के रूप में तो हवी और आरती, तो मुख्य कारण वहां पर ये कहने हवी का जलना है, ये बात है। ठीक है, और कुछ तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 1801, पीछे जो बात कही थी इन्होंने, थोड़ा सा इसको देखिए, हमने इसके 1801 में दूसरा अनुच्छेद वैसे चलना है अभी, लेकिन पीछे से देखिए इसको, ऊपर की पंक्ति पहली में, शक्नोति ही श्रुत्या तम संबंधम वक्तुम, क्या कहना है कि हवीरा, इसके पीछे वाला वाक्य भी देख लीजिए, साच हवीर विशेष्यते, साच हविषा विशेष्यते, इसमें एक और कीजिए आप ऐसे, पीछे से आइए 1800 का दूसरा अनुच्छेद फिर से देखिए, आह यदि विशेषणम न मृष्यते हविषा पीते विशेषणम न प्राप्नोति, मतलब अगर आप विशेषण को सहन नहीं कर पा रहे, कौन सा उभय को हवि के साथ विशेषित नहीं, उस विशेषण के रूप में नहीं कह पा रहे, तो फिर तो हवि को भी आरती के विशेषण के रूप में आपको नहीं ले लेना चाहिए, वो भी नहीं ले सकते जब ये ले रहा था। यदि विशेषणम न मृष्यते हविषापि ते विशेषणम न प्राप्नोति, हवि के द्वारा, हविषा का मतलब यहाँ हवि के द्वारा भी विशेषण को प्राप्त नहीं होता है, कौन, आरती शब्द,
सिद्धांति कह रहा है तद अभिधीयते, उसका उत्तर दे रहे हैं मृष्यमहे हविषा विशेषणम, हवि के द्वारा आरती का जो विशेषण है उसको तो हम सहन कर लेंगे, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। अविशेष्य माने अनर्थकम स्यात्, यदि हवि को यदि हवि के द्वारा आरती को विशेषित नहीं किया जाएगा तो आरती शब्द अनर्थक हो जाएगा, यहां पर आरती अनर्थक हो जाएगा। तो हवि को तो विशेषण ही मान रहे हैं, तो अविशेष्य माने अनर्थकम स्यात्, कैसे यस्य आरतिम आर्चेत इति अविशेषे यत्किंचित इति गम्यते, तो यस्य आरतिम आर्चेत ऐसा लगेगा, जस हवि को हटा दिया, हवि हट गया तो यस्य आरतिम आर्चेत ये वाक्य बचेगा, तो यस्य आरतिम आर्चेत ऐसा कहने पर, अविशेष रूप से कहने पर, हवि से अविशिष्ट कहने पर यत्किंचित इति गम्यते कुछ भी जाना जाएगा, फिर तुम्हारा कोई भी आरती से आरती कहीं भी हो यहां पर लगने लगेगी। तत्र सर्वस्यैव किंचित आरतिम ऋच्छति, वहां पर सभी का कोई भी यजमान हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरती तो वहां पर होती ही है। तत्र सर्वस्यैव किंचित आरतिम ऋच्छति अंततश्चरितम निमिषितम चिंतितम इति, अंततः का मतलब यहां पर हो गया कुल मिलाकर, जैसे कहते हैं ना कुल मिलाकर के, या तो सारा, अंततः का मतलब सारे हैं, तो कुल मिलाकर के चरितम निमशितम चिंतितम इति, जो कुछ उसने गतियां की हैं, कुछ पलक भी जमी झपकी हैं, या तो कुछ विचार भी किया है, वो सब भी इसके अंतर्गत आ जाएगा अंततोगत्वा, अन्य ही कर्म नहीं। यस्य आरती मार्चेत, जब ये कहा जाएगा हवि को हटा दिया तो हवि में आरती नहीं, कहीं भी आरती हो, विशेषित तो किया नहीं है, तो अब जो आरती का मतलब यहां पर दोष, जलना नहीं दोष, ये जो री शब्द है ना रिच्छति, इसमें री एक तो धातु है गति प्रापणय हो वो आदि की है, दूसरी है रिच्छ धातु गतीन्द्रिय मूर्ति प्रलय भावेशु, तो दादी गण की है ये, तो प्रलय भाव यानी नाश को होना इस अर्थ में रिच्छति है, वो जलना ही नहीं है, क्योंकि पुरुडाश से संबंधित नाश वो जलने से युक्त था इसलिए वहां जलना अर्थ ले रहे थे, तो नहीं तो आर्तिम आर्चेत, आर्चेत जो शब्द है ना रिच्छति, रिच्छ जो शब्द है यहां पर प्रलय भाव में है, और आर्चेत जो होगा वो आंग पूर्वक रिच्छेत शब्द है, ये आंग पूर्वक रिच्छेत जब बनेगा उपसर्गाधृति धातु तो ये आर्चेत शब्द बन रहा है वहां पर। यदि आर्चेत शब्द से अर्थ प्रलय भाव, आरती शब्द से अर्थम किम है, आरती को रिच्छति प्राप्त होता है, यहां नहीं वहां गति प्रापण में अर्थ होगा, आरती जो है ना आर्चेत को, आर्चेत को वहां पर प्राप्त अर्थ में ले लेंगे, ठीक है, गति प्रापण जो है ना आरतिम आर्चेत, आरती को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा है, प्राप्ति अर्थ में ले लेंगे, हाँ आरती मार्चेत, आर्चेत सीधा अपने आप में भी नाशक है वैसे, लेकिन आरती मार्चेत है तो आरती को प्राप्त होगा, ठीक है। तो अंततः चरितम निमेषितम चिंतितम इति, सब कुछ इसमें प्राप्त होने लगेगा, सब कुछ नाश को कुछ भी हो सकता है। तत्र यस्य इति निमित्त वचनम नित्य अनुपपन्नम गम्येता, तो ऐसे में नित्य में, अब जब अगर आर्चेत करेंगे आरती मार्चेत तो कहीं भी कुछ भी दोष होगा वो सब गृहित होने लगेगा, और कुछ ना कुछ दोष तो सभी में होता ही है, तो ऐसे में ये दोष नित्य प्राप्त होने लगेगा, और यदि नित्य हुआ तो ये जो कथन किया गया निमित्त वचन वो ठीक नहीं है। क्या तत्र यस्य इति निमित्त वचनम, ये जो यस्य है ये निमित्त वचन है, ये पक्का है, ये निमित्त वचन नित्य में अनुपपन्न हो जाएगा, नित्य में तो निमित्त वचन होता ही नहीं है, निमित्त तो वहां होता है जहां पर अनित्य होता हो, तो इसलिए ये वचन ही गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर आरतिम का विशेषण तो हवि करना ही पड़ेगा। तस्मात अवश्यम आरती विशेषतव्या, इसलिए आरती को तो विशेषित करना चाहिए हवि शब्द के द्वारा, साच हविषा विशेष्यते, और ये आरती सा मतलब सा आरती, वो आरती किससे विशेषित होगी, हविषा विशेष्यते हवि के द्वारा विशेषित की जाएगी, इसलिए एक विशेषण को तो मैं सहन करूंगा लेकिन उभय इस विशेषण को सहन नहीं कर रहा है सिद्धांती। तथा हविरारती संबंध निर्वृत्ति
पंचश्रावस्य निमित्तम, निमित्तम पंचश्रावस्य। तो हवीर और आरती के संबंध का होना, हवीर और आरती के संबंध का होना ये पंचश्राव का निमित्त है, हो गया। शक्नोति ही श्रुत्या तम संबंधम वक्तुम, और ये जो संबंध बनाया गया है ये श्रुति से कहा जा सकता है, श्रुति से कहा जा सकता है। कैसे? आर्छेत, आर्छेत ये जो क्रियापद है या विधि है, धातु है, लेकिन ये अपने आप में साकांक्ष है। आर्छेत किम आर्छेत, आर्छेत तो आर्तिम आर्छेत, क्योंकि ये साकांक्ष है, जो श्रुति है यानी आख्यात पद है, ये साकांक्ष हो रहा है, तो आर्तिम आर्छेत जुड़ेगा ही, और केवल आर्तिम जोड़ते हैं तो ये दोष आएगा, तो हवि आर्तिम आर्छेत ये जुड़ जाएगा। तो अब जो ये संबंध बन रहा है हवि का और आरती का, ये श्रुति से संबद्ध है। देखो सामान्यतया हम श्रुति का क्या लेते हैं, मूल जो शब्द कह रहा है, धातु है, प्रत्यय है, वो जो कह रहा है, साक्षात जो शब्द कह रहा है, पास में स्थित पद के साथ जोड़ करके जब हम अर्थ को करते हैं तो वो वाक्य से अर्थ आता है, वो श्रुति से नहीं आ रहा है। अब जब यहां पर हवि को आरती शब्द से जोड़ा गया है तो ये श्रुति से अर्थ आ रहा है या वाक्य से आ रहा है? वाक्य से आना चाहिए, क्योंकि समीपस्थ पद के जोड़ने से जब कोई अर्थ निकल रहा है तो ये वाक्य से माना जाएगा। पर यहां सिद्धांती क्या कह रहा है, शक्नोति ही श्रुत्यात्म संबंधम वक्तुम, श्रुति से इस संबंध को कह सकता है। श्रुति क्या? आख्यात पद, और आख्यात पद साकांक्ष रहता है। यदि इधर से न जोड़ा जाए, हवीर आरती से न जोड़ा जाए, तो ये आख्यात पद साकांक्ष होगा, और साकांक्ष होने से फिर वो निरर्थक हो जाएगा, यानी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए श्रुति से संबद्ध ये यहां पर अर्थ निकल रहा है, यदि भी वाक्य भी है लेकिन श्रुति भी उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए कहा शक्नोति ही श्रुत्यात्म संबंधम वक्तुम, हवि उभय संबंधम तु वाक्येन ब्रूयात्। हवि और उभय का जो संबंध है, पूर्व पक्षी कहता था हवि और उभय का भी संबंध होना चाहिए, यानी उभय को हवि का विशेषण बनाना चाहिए। वो कैसे बनाएगा? वाक्य से बनाएगा। लेकिन इसमें श्रुति साकांक्ष नहीं हो रही, श्रुति तो निराकांक्ष हो चुकी है। हवीर आर्तिम आर्छेत, अब ये आर्छेत जो है भी साकांक्ष नहीं रहा, कि आख्यात को निराकांक्ष करने के लिए उभय शब्द को हवि से जोड़ना पड़े, ये कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हवीर आर्तिम आर्छेत इतने से आर्छेत ये आख्यात पद निराकांक्ष हो चुका है, अर्थात श्रुति का इसमें कोई संबंध नहीं है। इसलिए उभयम हवि जब जोड़ेंगे आप विशेषण बनाएंगे तो ये केवल वाक्य से आएगा, लेकिन जब हवि और आरती को जोड़ रहे हैं तो ये श्रुति से संबद्ध है, श्रुति इस संबंध को जोड़ रही है, इसलिए बलवत्ता इसकी है। तो शक्नोति ही श्रुत्यात्म संबंधम वक्तुम, हवि रूपय संबंधम तो वाक्येन ब्रूयात्। वो केवल वाक्य से कहा जा रहा है, और हवि और आरती संबंध श्रुति से और वाक्य से दोनों से मिलकर के कहा जा रहा है, इसलिए ये बलवान हो रहा है। और दुर्बलम च वाक्यम श्रुते है, और वाक्य जो है वो श्रुति से दुर्बल होता है। अब इस पर वही आक्षेप दे रहा है पूर्व पक्षी, आगे देखिए जो हमारा अभी नया पाठ चल रहा है, ननु हवीर आरती संबंधों पर वाक्य नहीं वा। बोले आपने अभी ये कहा, पूर्व क्योंकि सिद्धांति ने यही कहा था कि ये श्रुति से हो रहा है, उभय और हवि का संबंध तो वाक्य से बता दिया, और हवि और आरती का संबंध बोले श्रुति से बता दिया, तो कह रहे हैं कि ननु हवीर आरती संबंधों पर वाक्य है ना, ये भी तो वाक्य से ही हो रहा है, आपस में जोड़ करके ही तो हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्चते आरती निर्वृत्ति रपि तत्र गम्यते। आरती की निर्वृत्ति भी वहां पर जानी जाती है, आरतिम उभय हवि आरतिम आर्छेत, उसकी निर्वृत्ति या उसका होना आर्छेत वहां पर उससे जुड़ा हुआ है। आरती निर्वृत्ति में भी तत्र गम्यते साच श्रुत्या अल्पविराम, वो श्रुति से पता लग रही है। और हवि उभय संबंधे अत्यंतम श्रुतिरेव हीयते, जब हवि और उभय का संबंध करते हैं तो वहां पर श्रुति पूरी तरह छूट जाती है। जब हवि और आरती का संबंध करते हैं तो श्रुति पूरी तरह नहीं छूटती है, वो भी जुड़ी हुई रहती है, यानी वाक्य और श्रुति दोनों रहते हैं। और जब उभय और हवि का संबंध करते हैं वहां तो श्रुति यानी आख्यात की जो विधि है उसकी कोई वहां पर आवश्यकता नहीं रहती है। हवि रूपय संबंधे अत्यंतम श्रुति रे वहीयते तस्मात् न तत्संबंधो निर्वर्त्यमानो निर्दिश्यते इति, इसलिए वह संबंध होता हुआ वहां पर निर्देशित नहीं होता है।
आरती जो है वो तो होता हुआ दिखता है हमारे को आर्छेद के कारण से, होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उभय और हवि का जो संबंध है वो आर्छेद से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, उससे कोई होता हुआ वो नहीं दिख रहा है। तस्मात् न तत्संबोधो निर्वर्त्यमानो निर्दिश्यते इति, मतलब श्रुत्या निर्दिश्यते इति, श्रुति से निर्देशित नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तरही उभय संबंध, फिर उभय का संबंध यहां पर कैसे जुड़ेगा, उभय कथम तरही उभय शब्द है, मतलब यहां फिर उभय शब्द पढ़ा क्यों है, अगर आप इसको हवि से नहीं जोड़ रहे हो तो उभय शब्द का पढ़ना ही यहां व्यर्थ, ये कर क्या रहा है यहां पर उभय शब्द। तो सिद्धांत कह रहा है उभय अमिति नित्यानुवाद, ये नित्यानुवाद है, कैसे एकस्मिन अपि आर्ते अपरस्मिन अपि, एक में भी होगा और दो में भी होगा, दोनों में होगा मतलब एक में भी होगा, दोनों में होगा, ये ऐसा नहीं है कि दोनों होंगे दोनों में आरती होगी तभी होगा, दोनों हवियों में आरती होगी तभी होगा ये मतलब नहीं है, दोनों हो तब भी होगा, एक हो तब भी होगा, ये नित्यानुवाद है, उभयमिति नित्यानुवाद है, एकस्मिन अपि आर्ते अपरस्मिन अपि, तस्माद् उक्तम यस्य उभयम् हविर आर्तिम आर्चेत, इसलिए ये वचन कहा गया है उभयम्। आगे देखिए, अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है अथ कस्मान् न पदद्वय विशिष्टा आरती निमित्तम प्रतीयते इति, ये जो आरती है ये दो पदों से विशिष्ट क्यों नहीं कही जा सकती है, सिद्धांत ये तो मान रहा है ना कि हवि विशिष्ट आरती है, हवि विशेषण है आरती है, तो एक पद विशिष्ट आरती तो कह रहे हो, एक पद विशिष्ट आरती तो आप कह रहे हो, दो पद विशिष्ट आरती क्यों नहीं कही जा सकती यहां पर, उभयम हवि ये क्यों नहीं कही जा सकती, उसकी विवेचना है। तथा कस्मान् न पदद्वय विशिष्टा आरती निमित्तम प्रतीयते, वो निमित्त क्यों नहीं कही जा सकती है, यस्य उभय गुण विशिष्टम हविर आरतिम आर्चेत इति, ये पूर्व पक्षी अपनी तरफ से बात रखा है, उभय गुण से विशिष्ट हवि जब जिसकी आरती को प्राप्त हो तो उभय शब्द हवि का विशेषण बनेगा, और फिर वो जो हवि है उभय गुण से विशिष्ट जो हवि है वो आरती का विशेषण बन जाएगी, तो इस तरह से इन दोनों पदों से विशेषित होते हुए आरती क्यों नहीं, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है, अत्रुच्यते। तो क्या लगता है हमें, तो लिया ही जा सकता है ना, लिखा है तो यह शब्द है तदस्माकं प्रमाणो, जो लिखा है वो तो हमारा प्रमाण है ही, बिल्कुल लिया जा सकता है, पूर्व पक्षी तो बिल्कुल अच्छे स्तर पर बात कर रहा है। इसमें सिद्धांत कहता है अत्रुच्यते कथम तावत भवान मन्यते, आप यहां पर क्या मान रहे हैं, ये आप कैसे मान रहे हैं, यूं कह रहे हैं कथम तावत भवान मन्यते, कंतावत मन्यते, आप ऐसा ये कैसे मान रहे हो आप, क्या विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा आरती निमित्तम इति, विशिष्टेन अर्थेन विशिष्ट अर्थ के साथ, ये विशिष्ट का मतलब है उभय और अर्थ है हवि, विशिष्ट अर्थ कौन सा हो गया, उभय विशिष्ट हवि, विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा उससे विशिष्ट जो आरती है, किससे विशिष्ट आरती है, विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा हवि, उभय विशिष्ट हवि से विशेषित आरती, बोले ये अर्थ आप कैसे ले रहे हैं, कथम तावत भवान मन्यते विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा आरतिर निमित्तम इति, ऐसी आरती निमित्त ये अर्थ आप कैसे ले रहे हो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह विशिष्टार्थस्य सन्निधानात् विशिष्टो अर्थ आरती सन्निहिता, विशिष्ट अर्थ के सन्निधान होने से, विशिष्ट अर्थ का सन्निधान मतलब पास में पढ़ा गया होने से, यस्य उभयम् हविर आर्तिम अर्चेत, तो यहां आर्तिम के पास में उभयम् हवि पढ़ा हुआ है और उभयम् हवि जो है वो विशेषण से विशिष्ट अर्थ है, तो कह रहे हैं विशिष्टार्थस्य, विशिष्टार्थ का मतलब हुआ उभय से विशिष्ट जो हवि शब्द है, विशिष्टार्थस्य सन्निधानात् उसके निकट होने से, विशिष्टो अर्थ जो विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट अर्थ मतलब उभय विशिष्ट जो हवि है वो आरती सन्निहिता, आरती से सन्निहित है, वैसे अगर यूं देखेंगे तो आरती से सन्निहित शब्द तो केवल हवि है, उभय शब्द उससे सन्निहित नहीं है, लेकिन वो दोनों को इससे कैसे जोड़ रहा है, क्योंकि यहां पर विशेषण जो हवि है वो उभय इस विशेषण से विशिष्ट है, इसलिए ये दोनों इससे जुड़ रहे हैं, सन्निधि ही कह रहा है वो, आरती सन्निता किम पुनः स्यात् यत्येवं भवेत्। अब सिद्धांत ये पूछ रहा है यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा आपको,
अगर आप ऐसा अर्थ कर रहे हो तो फायदा क्या होगा? तो पूर्व पक्षी कहता है तथा उभय विशिष्टा आरती निमित्तम इति गम्यते, इससे उभय से विशिष्ट आरती यहां पर निमित्त कहलाएगी। हवि विशिष्ट आरती तो निमित्त है, वो तो सिद्धांत भी मानता है। अब ये कौन सी आरती निमित्त बनेगी? जो उभय से विशिष्ट आरती है वो निमित्त बनेगी। हवि तो है ही विशेषण, तो जब दोनों हवियां जल जाएंगी तब वो जलना या आरती निमित्त बनेगी, बस ये कह रहा है। तो इससे क्या उभय विशिष्टा आरती निमित्तम इति गम्यते, तो एक जल जाएगी तो वहां पर निमित्त नहीं बन पाएगा, सिद्धांत कह रहा है एक भी मिल जाएगा। इसके ऊपर अब पूर्व सिद्धांत पूछता है अत्र उच्यते इदम तावत देवानाम प्रिय प्रष्टव्य तो देवताओं का प्रिय कौन होता है? देवताओं का प्रिय कौन होता है? अब ये शाब्दी की ये व्यंग में है, तो यहां पर जो ये जो देव शब्द है ना, ये विपरीत लक्षणा में है। देवताओं का की विपरीत लक्षणा यहां पर है मूर्ख, तो देवानाम प्रिय मतलब मूर्खों का प्रिय, मतलब ये मूर्ख देवता देवा देव देवानाम प्रिय का मतलब है मूर्ख। तो इस मूर्ख को पूछा जाना चाहिए, ये मूर्ख पूछा जाने योग्य है, इसको समझ में नहीं आ रहा है जो कह रहा है उसे वो खंडित कर रहा है, वो क्या मूर्खता है वो तो सिद्धांत ही आगे बताएगा, लेकिन उसकी उपेक्षा कर रहा है ये देवताओं का। वैसे देवता देवानाम प्रिय है, ये तो मूर्खों का प्रिय, मूर्ख मूर्खों का जो प्रिय है वो मूर्ख, देवानाम प्रिय मतलब मूर्ख मूर्खों का प्रिय, विपरीत लक्षण आया यहां पर। वो पूछा जाना चाहिए क्या यस्यापि ही विशिष्टार्थम आरती सन्निहितो भवति, जिसका की, जिसका मतलब वही पूर्व पक्षी का, यस्य ही विशिष्टार्थम, विशिष्टार्थ का मतलब वो हो गया वह विशिष्ट हवि, आरती सन्निहितो भवति, आरती के वो निकट हैं, तो किम तस्य अविशिष्टो दंडई प्राणुद्यते, कि क्या उसका जो अविशिष्ट है, अविशिष्ट का मतलब है उभय अविशिष्ट हवि, उसको डंडे से मार करके हटा दोगे क्या? क्या मतलब हुआ कि जिसकी दो हवियां जल गई हैं तो उसमें जो अविशिष्ट है, अविशिष्ट मतलब जब एक लेंगे तो वहां से वो एक को हटा दोगे क्या? उस दो में एक नहीं है क्या? जब कहा कि जिसकी दो हवियां जल जाएं तो प्रायश्चित होगा, तो उसमें जो एक हवी जली हुई है उसको हटा दोगे क्या वहां से? नहीं, वहां दो में एक भी तो विद्यमान है, दो में एक भी तो विद्यमान है, एक और एक मिलकर के ही तो दो होते हैं। तो एक को भी बोले कि यहां पर जो एक जल जाती है उसको वहां से हटा दोगे क्या जले हुए को आप? दो तरह से इसका अर्थ है कि जब दो हवियों के नाश में एक हवी का नाश भी तो रहता है, ये आपको स्वीकार है या नहीं है? दो हवियों के नाश में एक हवी का भी नाश रहता है या नहीं? अभी आप जहां जा रहे हो वो नहीं पूछ रहे ये वो अभी केवल ये पूछ रहे हैं जब दो हवियां नष्ट होती हैं तो उसमें एक हवी का नाश नहीं होता है क्या? बोले क्या कि इसके दोनों पुत्र मर गए तो उसमें क्या एक पुत्र नहीं मरा है? क्या उसका एक पुत्र नहीं मरा है? उसमें अंतर्भावित है या नहीं है एक पुत्र का मरना? बोले इसके पास दो गाड़ियां हैं तो उसमें एक गाड़ी का होना अंतर्भावित नहीं है क्या? बोले उसके पास दो गाड़ियां हैं तो क्या कि उसके पास गाड़ी है, एक गाड़ी है तो एक गाड़ी है, कहां है एक गाड़ी है, दो है तो भी एक गाड़ी तो है ही, दो है तो एक तो है ही ना। देखिए तो बोलते किम तस्य अविशिष्टो दंडई परानुद्यते, पूर्व पक्षी का किमतो यन्न परानुद्यते, ठीक है हटा नहीं सकते उसको भी, तो उससे क्या हुआ? एतत्तो भवति, इससे यह होता है कि अविशिष्ट गता अपि आरती निमित्तम पंचश्रावस्य भवति, कि जो अविशिष्ट आरती है, कौन सी? उभय से अविशिष्ट जो आरती है वो भी पंचश्राव का निमित्त होती है। देखिए ये जो आरती हुई थी हवि की, वो
उभय से युक्त होकर के आरती हुई थी क्या? उसने उभय को भी आरती से जोड़ दिया था पूर्व पक्षी ने। अब दो हवियां हैं, दोनों जल गईं, तो ऐसे में सिद्धांति कह रहा है कि ये जो हवी जली थी, ये जो आरती है एक हवी की, ये उभय विशिष्ट है या एक है? ये वाली आरती, एक एक पुरुडाश वाली जो आरती है, ये उभय विशिष्ट आरती है क्या? नहीं है। और दूसरे वाले में भी जो आरती है वो उभय विशिष्ट आरती है क्या? नहीं है। क्या ये उभय विशिष्ट आरती नहीं है तो इसको हटा दोगे यहां से? नहीं, हटाएंगे नहीं, बोले लेंगे। तो जब आप ले रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आरती है ये उभय विशिष्ट नहीं है। एतदतो भवति अविशिष्ट गता अपि आरती। अविशिष्ट गता का मतलब है अविशिष्ट जो हवि है, उभय से अविशिष्ट, उभय अविशिष्ट गता, अविशिष्ट का मतलब हो गया उभय से विशेषण से रहित जो हवि है उसमें गता मतलब स्थित आरती भी निमित्त बन रही है पंचशराव का, वो भी निमित्त बन रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उभय शब्दो हविर विशेषति, बोले नहीं, ये उभय शब्द जो है ये हवि को विशेषित करेगा, आरती को विशेषित नहीं करेगा। ये दोष कहां दिखा रहा था सिद्धांति? जब उभय को आरती से जोड़ दिया गया था तो बोले ये जो आरतियां हो रही हैं ये उभय विशिष्ट है क्या? क्या एक में आरती हो रही है उसको आप आरती नहीं कहोगे? अर्थात आरती का होना उभय से विशेषित नहीं है। तो अब इसने कह दिया कि नहीं, उसको उभय को मैं हवि के साथ में जोड़ देंगे। तो ननु उभय शब्दो हविर विशेषति, उभय शब्द हवि को विशेषित कर देगा। सिद्धांति कह रहे हैं न हवि शब्दे न असंबद्धमान तन्न शक्नोति विशेषतुम, ये जो उभय है ये हवि शब्द से संबद्ध न होता हुआ उसको विशेषित नहीं कर पाएगा। उभय शब्द हवि को विशेषित नहीं कर पाएगा। या तो आप आरती के साथ ही जोड़ो उसको, उभय को, उभय को अगर आप आरती के साथ जोड़ते हो तो ये दोष आएगा देवानाम प्रियः। अगर सुनो पहले बात को, ये जो कहना चाह रहे हैं उस पर और विवेचना करेंगे। अगर हवि उभय शब्द को आप आरती से जोड़ते हो तो आरती तो उभय विशिष्ट है नहीं, एक में अगर आरती है तो उसको आप हटा नहीं सकते। उसने कहा कि हवि के साथ में जोड़ेंगे, तो बोले वो कह रहे हैं कि उभय शब्द को आप हवि के साथ में जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि वो उससे संबद्ध ही नहीं है। हवि शब्द न असंबद्ध मान तन्न शक्नोति विशिष्ट, वो संबद्ध नहीं है। क्यों नहीं संबद्ध है? संबद्ध नहीं है ये इसने कहा। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं संबद्ध है, आनंतर्यात संबद्धते, अरे आनंतर्य होने से संबद्ध हो जाएगी उभयम हवि, उससे जुड़ जाएगी, क्यों नहीं जुड़ेगी? तो सिद्धांत कह रहा है तरही तथापि न समर्थः, वो उसके पास जुड़ होने आनंतर्य से भी वो नहीं जुड़ पाएगी। क्यों? नहीं असौ निवृत्तिम प्रयोजयति, और तरही तथापि न समर्थ, वो ऐसा होने पर भी उसको संबद्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि निवृत्ति को नहीं हटा सकती। क्योंकि ये जो उभय शब्द है ये एक की, और किसी को हटा नहीं सकता, एक की आरती को भी ये हटा नहीं सकता। इसमें पूर्व पक्षी कहता है विशेष वचनत्वात् तन्निर्वर्तको भविष्यति, विशेष वचन होने से उभय जो विशेष वचन है वो तन्निर्वर्तको भविष्यति, अन्य का निर्वर्तक हो जाएगा। अन्य का किसका? एक का। एक हवि जब आरती को प्राप्त हो उसका ये निर्वर्तक हो जाएगा। उभय को पूर्व पक्षी क्यों लेना चाह रहा है? कि दोनों हवियां जब जले तभी ये प्रायश्चित हो, अर्थात एक जले तो नहीं हो। तो ये उभय शब्द एक हवि की आरती का निवर्तक हो गया ना, हटाने वाला हो गया ना, उसको कह रहा है पूर्व पक्षी आह विशेष वचनत्वा तन तत् निवर्तको भविष्यति, एक को हटाने वाला हो जाएगा। जैसे यथा शुक्ला गौ आनीयताम इत्येवम अभीते न कृष्णम कृष्णाम आनयन्ति, सफेद गाय को लेकर के आओ ऐसा कहने पर काली गाय को नहीं लेके आते। क्यों? उसको लेकर के नहीं आते कि शुक्ल शब्द एनाम गाम कृष्णादिभ्यो निवर्तयति, क्योंकि ये जो शुक्ल शब्द है इस गाय को कृष्ण आदि विशेषणों से हटा देता है। ऐसे ही उभय शब्द एक को हटा देगा, इसलिए यहां पर इससे निकट होने से संबद्ध है और संबद्ध होने से सार्थक भी है। ये पूर्व पक्षी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा ना। इसका उत्तर सिद्धांती आगे देगा, इसको बाद में देखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।